हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड एस्पिरेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है इम्पोर्टेंट न्यूज में, जो कि 100% आपके स्टेट पीसीएस और सिविल जज के एग्जाम में, सिविल जज के उन स्टेट्स के एग्जाम में जिनमें करंट न्यूज पूछी जाती है, वहां पर ये जो आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूज, ये इम्पोर्टेंट रखती है और ये 100% आपको देखने को मिलेगी। पहला, पीएम जनधन योजना। जी हाँ, इसको 8 साल कंप्लीट हो चुके हैं। ये एक केंद्र सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्बिशियस स्कीम है। इसका जो ऑब्जेक्ट था या है कह लीजिए, वो है कि जो पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उनको मेन बैंकिंग सिस्टम से कनेक्ट करना। जनधन योजना के तहत बहुत सारे खाते खुलवाए गए हैं, ये वही वाली स्कीम है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद कर लीजिएगा। इस स्कीम के तहत आप जो पैसा भी डिपॉजिट करते थे उस पर इंटरेस्ट का प्रोविजन किया गया था। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस 1 लाख रुपए तक का है। कोई भी मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड नहीं था। जैसे आप अगर जनरली सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट खुलवाते हैं कहीं भी जाकर के, तो आप उस बैंक से जो नॉर्म्स होते हैं उनके तहत आपको किसी में 3,000 रुपए, किसी में 2,000 रुपए मिनिमम आपको रखना पड़ता था। जनधन योजना के तहत खोले गए अकाउंट्स में ये मैंडेटरी नहीं रहता है। लाइफ इंश्योरेंस ऑफ 30,000 रुपए इस स्कीम के तहत, इजी ट्रांसफर ऑफ मनी अक्रॉस द इंडिया इस योजना के तहत आप कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज इंडिया बांग्लादेश मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ओवर खुशियारा रिवर। तो एक बात जानिए, इंडिया और बांग्लादेश के बीच लगभग 54 रिवर्स हैं और इनको बाउंड्री डिस्प्यूट्स के तहत रखा गया है, जिसके लिए आप जॉइंट रिवर कमीशन बनाया गया है इंडिया में और बांग्लादेश में भी, जिसके तहत इन रिवर्स को लेकर के डिस्प्यूट जो भी होता है, पानी को लेकर के डिस्प्यूट है ना, टेरिटरी बाउंड्रीज को लेकर के डिस्प्यूट, उसको रिजॉल्व करने के लिए है। तो खुशियारा रिवर जो है वो एक तरीके से ब्रांच है बराक रिवर की, जब ये सुरमा रिवर से सेपरेट होती है और फिर ये जा करके क्या कहते हैं सुरमा रिवर में मिलती है, और जब ये अगेन सुरमा रिवर में मिलती है तब इस कॉम्बिनेशन को कहा जाता है मेघना रिवर। जी हाँ, मेघना रिवर के बारे में आपने बहुत जाना होगा, हमारे पुराने वीडियोस में समझा भी होगा। ज्वाइंट रिवर कमीशन इंडिया और बांग्लादेश के बीच में 1972 में बना था, ये बात ध्यान रखिएगा, अंडर द पीस ट्रीटी। नेक्स्ट इज आईएमएफ के न्यू डायरेक्टर, जी हाँ, के सुब्रमण्यम बनाए गए हैं। ये फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर आपके कंट्री के रहे हैं। इनकी डिग्री की बात कर लें तो ही इज एमबीए इन फाइनेंस इकोनॉमिक्स एंड ऑल्सो पीएचडी। इनका जो पीएचडी वगैरह रहा है वो शिकागो यूनिवर्सिटी से रहा है। एक बात और जानिए, आईएमएफ में 24 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं, जिनमें से एक आपके नव निर्वाचित के सुब्रमण्यम भी है। डीआरडीओ ने भी अपना न्यू चेयरपर्सन घोषित किया है, जो कि है डॉक्टर एस वी कमा। डीआरडीओ के पास 52 लैब्स हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, 52 लैब्स हैं, अप्रोक्सीमेटली 5,000 साइंटिस्ट हैं और अप्रोक्सीमेटली 25,000 सबॉर्डिनेट साइंटिस्ट हैं, ये बात दोनों ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को मनाया जाता है। किस उपलक्ष्य में? बर्थ एनिवर्सरी है ये मैजिशियन कह ले, हॉकी प्लेयर कह ले, मेजर ध्यानचंद का ऑटोबायोग्राफी मेजर ध्यानचंद की आपसे पूछ सकता है। गोल है, टोटल गोल इन्होंने अपने लाइफ कैरियर में 400 किए थे। गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में 1928, 1934, 1936 ऐसा मिला है इनको। अवार्ड इनको इंडिया में पद्म भूषण 1956 में दिया गया। एक कहानी के बारे में फेमस है कि जब इन्होंने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल पाया था तो हिटलर ने इन्हें एक हाई पोस्ट इन्हें आर्मी ऑफर किया था, बट इन्होंने ठुकरा दिया था। सो दिस इज ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंट 100% विल बी आज न्यूज। थैंक यू, लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, और हमारे जितने भी पेड कोर्सेज जुडिशरी को लेकर के चल रहे हैं आप उनको ज्वाइन करके अपना तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। थैंक यू।